तो गाइज हम आ चुके हैं आप वॉक्सवैगन के वर्कशॉप पे। इस बार हम मोती नगर वाले पे आए हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम इनसे ना इंजन ऑयल डलवाया था, इंस्पेक्शन कराई थी, तो हमें सही लगा था ये। और ये देखो टी रॉक भी है यहाँ पर। तो अब आज यहाँ से ही सर्विस करवाएंगे अपनी गाड़ी की मोती नगर वाले से, क्योंकि फिर आपको पता है सर्विस काफ़ी नेसेसरी है जो हमारा, फिर आगे हम इसको ट्यून व्यून भी करवाएंगे। तो अब देखते क्या रहता है सर्विस का, कितना बिल बनाते हैं, क्या क्या करते हैं चेंज वेंज, और अगर हम इसकी ब्रेक्स व्रेक्स भी अगर चेंज करवाएंगे तो वो भी देखते हैं आगे। आए हुए हमें अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और अपना गाड़ी के जो अपॉइंटमेंट हमने फिक्स करी थी उसके बाद सारा एस्टिमेट वेस्टिमेट लग के सर्विस का हमने जो जो करवाना वो सब हो गया फिक्स, और अब गाड़ी जाएगी अंदर सर्विस होने, और सर्विस होएगी। और हमने ये भी बोला थोड़ा सा चेकअप वेकअप भी कर लेना स्टेयरिंग व्हील वेयरिंग व्हील का भी, कि कुछ इशू हो अगर तो पता चल जाए हमें। बाकी ये है कि अब ये चेकअप के लिए जाएगी गाड़ी और देखते हैं कितनी देर लगती है सर्विस होने में। और बेसिक सर्विस का बिल अभी वैसे मैं आपको दिखा सकता था जो कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा था, लेकिन फिर वही बात है ना भाई, बिल तो इनिशियल में ही दिख जाता है, बिल तो लास्ट में दिखाना है ना, तो इसलिए बिल अभी बाद में दिखाएंगे। और ये देखो ये इसकी वर्कशॉप ये यहाँ पर, हाँ, और इधर अपनी गाड़ी है, अभी जाएगी ये सर्विस के लिए और फिर देखते हैं क्या क्या रहता है। अपनी गाड़ी सर्विस के लिए अंदर, और अंदर तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो तो होता है भाई, हर उसका रूल होता है कि अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब अंदर जा रही है सर्विस के लिए और देखते हैं आप कितनी देर लगती है सर्विस में। अभी टाइम बताता हूँ मैं कितने बज रहे हैं, अभी चेक करता हूँ एक सेकंड, अभी बज रहे हैं 10:20, हम 10 बजे पहुँच गए थे, 20 मिनट में अपनी गाड़ी गई है सर्विस होने के लिए अब, और अब देखते हैं कितनी देर में बाहर आती है। 2000 years later बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2, तो मतलब 3.5 घंटे लगे हैं गाड़ी को आने में, और पूरी चमका दी है गाड़ी, देखो वॉश होकर आई है, लंच ब्रेक भी था ना बीच में इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा वो भी एक्स्ट्रा चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लगते हैं। और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बाकी तो मैं आपको आगे जाके शेयर करता हूँ। हम निकलते हैं बिकॉज भाई भूख भी बहुत लग रही है, इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं ना वेट कर रहे हैं। तो गाड़ी तो चमक गई है, देख लो पूरी सही चमका दी, टायर वायर सारा साफ़ कर दिया, अंदर से पॉलिश वॉलिश भी करी है। बाकी घर जाके मैं आपको बिल भी बताऊँगा क्या क्या हुआ है, कैसा है पूरा एक्सपीरियंस है वो सब बताऊँगा आपको। चलो अब चलते हैं। और इसमें आप देख सकते हो डिमांडेड रिपेयर जो था, ये देखो जूम कर दिया, डिमांडेड रिपेयर जो हमने किया था वो था पेड सर्विस। एयर फिल्टर हमने क्लीन भी नहीं करवाया, साफ़ भी इसलिए नहीं करवाया बिकॉज भाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इसमें लगना है, तो हमें था कि अभी रह नहीं देते हैं इसको साफ वाफ करवाना। और फ्रंट वाइपर प्लेट रिप्लेस करवाया है, व्हील अलाइनमेंट प्लस 4 व्हील बैलेंसिंग प्लस रोटेशन ये सब करवाया, और उसके अलावा स्टेयरिंग हमें थोड़ा हार्ड फील हो रहा था तो हमें था कि एक बार इसका चेकअप करो। तो आप कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो वाइपर ब्लेड जो है वो तो 88 रुपीज़ का रिमूव प्लस इंस्टॉल लेबर की चार्जेस है, और वाइपर ब्लेड जो है वो अपने 1200 रुपये के लगे वाइपर ब्लेड्स। और अब यहाँ चले तो इधर आप देख सकते हो कि इंस्पेक्शन विद ऑयल चेंज हुआ है, ये 2500 रुपये का हुआ है, आप देख सकते हो। आप यहाँ जूम करके मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये देखो 2500 रुपये का हुआ है ये इंस्पेक्शन विद ऑयल चेंज। उसके अलावा पार्ट चेंज में ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, वॉशर प्लग ये सब लगे हैं जो भी है भाई, 3100 रुपीज़ के, 5600 रुपये का ये बिल। उसके अलावा व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस हुआ है, उसमें आपका 1681 रुपीज़ का बिल। और थोड़ा यहाँ पर देखे तो कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन एयर फिल्टर, मतलब ये एसी फिल्टर बेसिकली, वो साफ हुआ है, ये देखो 1000 रुपये का। ये क्लीनर कूलेंट ये सारा कुछ टॉप हुआ है, टिशू बॉक्स भी मैंने एक 1500 रुपये का ख़रीदा था वो अलग से, तो वो मतलब 2 खरीदे थे, तो ये 5000 उसका अलग से बिल है। टोटल बिल यहाँ पर आप देख सकते हो आ रहा है 12000 रुपये। आप 12000 में से ना आप मतलब अराउंड 2000 रुपीज़ हटा दो जो उसके थे टिशू बॉक्स के थे, उन्हें मत गिनो बिकॉज इन्होंने उनको भी गिन रखा है। तो टोटल मेरा बिल जो आया था ना वो था 9900 रुपीज़। उसके बाद मैंने 2-3 एक्सेसरीज़ खरीदी थी, उसका बिल मिला के 12000 रुपीज़ है। तो 9900 रुपीज़ का बिल आया था टोटल, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है भाई। इसमें इन्होंने जो है ना अपना सर्वे जो लेबर है ना वो 4200 रुपीज़ की थी, वो 2100 रुपीज़ की कर दी थी, मतलब 50% ऑफ दिया था उस पर लेबर पे। और रही बात अब करें एक्सपीरियंस की, तो मैंने जैसा आपको दिखाया था कि मैं अराउंड 10 बजे हम पहुंचे थे वर्कशॉप पे, और हमने अपॉइंटमेंट पहले बुक कर रखी थी 10 बजे की। 10 बजे हम पहुंचे और 15 मिनट विद इन 10-20 पे हमारी गाड़ी जो है वर्कशॉप के अंदर चली गई थी, मतलब 20 मिनट में हमारी गाड़ी जो है वर्कशॉप के अंदर चली गई थी। और वो भी 20 मिनट क्यों लगे थे, बिकॉज पहले क्या होता है हम जाते हैं फिर उसके बाद रिसेप्शन पे ना, वो फिर जब हम उनके साथ बैठते हैं ना तो जो अपना हमारा जो सर्वेयर होता है या मतलब जो एक तरह से जो बंदा हमें अटेंड करता है ना, वो लैपटॉप पे आपको पूरी एक लिस्ट दिखाता है कि क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो आप सर्विस के टाइम पर, और उसमें से आप ओमिट करते हो और उस हिसाब से आपको बिल बनता है। तो जो जो चीज़ें हमें करवानी थी और जो जो चीज़ें हमें हटवानी थी वो हमने हटवाई और करवाई,
और वो पूरी एक लिस्ट तैयार होती है, फिर उसका प्रिंट निकल के वो हम वो फिर उस वर्कर को देते हैं जो करता है, और वो उतनी देर में वही 10-15 मिनट लगते हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी इमीजिएटली चली जाती है। तो हमारी गाड़ी इमीजिएटली बात चली गई थी, ऐसा नहीं था कि एक घंटा वेट ही करवा दिया, पहले गाड़ी ही नहीं गई, इमीजिएटली बात चली गई, बे वन पे हमारी गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी थी। ऑल दो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था अंदर, तो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट ये था कि कस्टमर खड़ा होकर देख सकता है अपनी गाड़ी की सर्विस, जो कि बहुत सारे डीलर्स करने नहीं देते। मतलब इससे पहले जो वोक्सवैगन में जाता था ना, जो जिस डीलर जाता था, ऑल दो उनकी सर्विस से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो पिक एंड ड्रॉप वाली थी, बिकॉज वो 500 रुपये भी नहीं लेते थे जैसे जीप वाले लेते हैं, एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ लेते हैं पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी की, वो तो पिक एंड ड्रॉप करके ले जाते थे अपनी गाड़ी। बट उनसे जब मैंने एक बार अपना फ्री चेकअप करवाया था ना, तब मुझे याद है उन्होंने बोला था कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, वेयर ये वाले जो है ये अंदर जाने देते हैं। हो सकता है दो साल तीन साल पहले की बात है, अब हो सकता है जाने दें वो भी, क्योंकि उसके बाद से मैं उस शोरूम उस वर्कशॉप पे ना ऐसे खुद गया नहीं, गाड़ी सिर्फ भेजी थी पिक एंड ड्रॉप के लिए, और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा था। वो एक दिन लेते थे बिकॉज पिक एंड ड्रॉप होता था, वो गाड़ी ले जाते थे अपनी और हमारी सर्विस करके अगले दिन दे देते थे। आज मैंने इस बार मैंने सोचा था कि मैं लेके जाऊंगा गाड़ी और पूरा देखूंगा क्या रहता है, और इन्होंने अंदर आने दिया, मतलब जो वर्कशॉप के अंदर होता है, और कुछ नहीं बोला, बस ये बोला था रिकॉर्ड मत करो, उसके अलावा सब कुछ इन्होंने देखने दिया कि क्या कर रहे हैं वर्कर्स गाड़ी में, कुछ भी हो रहा है, मैं कोई डाउट पूछ रहा हूँ वो भी बता रहे थे सब कुछ, मतलब उन्होंने मेरी सारी क्वेरी सॉल्व करी, और कुछ ये नहीं बोला कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगा कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है, जो पहले नहीं होती थी VW स्कॉडा में, अब होती है। तो इससे क्या है कि मतलब वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, जैसे होता है ना नई गाड़ी है या फिर कुछ ऐसा है तो कुछ कोई पार्ट निकाल के पुराना लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, या फिर कुछ भी गड़बड़ निकाल दी, अब इनका ऐसा नेचर है नहीं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिर 1:50 पे मेरी गाड़ी बाहर आ गई, तो अप्रॉक्स 3.5 घंटे में, वो भी 3.5 घंटे इसलिए बिकॉज आधे घंटे इनकी लंच ब्रेक थी वर्कर्स की, तो उसमें वो थोड़ा सा उन्होंने फिर गाड़ी को छोड़ दिया था, वरना 3 घंटे लगा। और इन्होंने मेरे को अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्टेड टाइम 3:30 बजे का बोला था, और 1:50 पे इन्होंने गाड़ी दे दी। तो एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी कि टाइम से सर्विस हो गई, 2 बंदे मेरी गाड़ी पे काम कर रहे थे कंटिन्यूअसली, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी अनअटेंडेड खड़ी हो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब अपनी गाड़ी की जो है वो सर्विस हो चुकी है, अपनी गाड़ी जो है ना वो अब ट्यून होने वाली है, और ये एक प्रोजेक्ट सीरीज का पहला एपिसोड है, और इसलिए मेरे को था कि पहले मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवा दूं, बिकॉज वो ड्यू थी, तो सर्विस करवा दी, जो भी नेसेसरी चेंजेस होने थे गाड़ी में, इंजन ऑयल टॉपअप या फिर चेंज हुआ वैसे तो इंजन ऑयल, कूलेंट वूलेंट सब लग गया है, अब भाई अपनी गाड़ी जो है वो ट्यून के लिए रेडी है। तो ये पहला एपिसोड था अपनी गाड़ी की प्रोजेक्ट सीरीज का, सेकंड एपिसोड आप देखना उसमें क्या 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 उसमें मैं अपनी गाड़ी में करवाने वाला हूँ। तो आप बताना आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, अपनी गाड़ी फाइनली जो है ना मॉडिफिकेशन होने वाली है, ट्यून भी होगी मोस्ट प्रोबेबली ना, आप बताना आपको क्या एक्सपीरियंस कैसा रहता है VW वर्कशॉप में। और मैं तो यही बोलूंगा भाई, जो मतलब सोच रहे हैं VW लेने की ना, उनको ले लेनी चाहिए, बिकॉज अब वो आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है इनकी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।